नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राजनीति से, जहां पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज है। क्या है पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि बीजेपी अब ममता बनर्जी की पार्टी पर तंज कस रही है। क्या है पूरा मामला वो भी जानिए। दरअसल नेशनल पार्टी का दर्जा छीनने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले को अब अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है झटका लगने के बाद में, क्योंकि टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था उसे रद्द कर दिया गया है और इसे ही लेकर अब माना जा रहा है कि अदालत में इस फैसले को, चुनाव आयोग के इस फैसले को, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो चुनौती दे सकती है। और इसी के लिए पार्टी फिलहाल जो है कई सारे विकल्पों को तलाश रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने एक फैसले में टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था उसे छीन लिया। लेकिन जो आधिकारिक प्रतिक्रिया टीएमसी की तरफ से आनी थी उसका लगातार इंतजार है। अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन पार्टी नेताओं के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि टीएमसी इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती देने के विकल्प की तलाश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, भाजपा जिस पर ममता बनर्जी लगातार तंज कसती रहती हैं, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी बहुत ज्यादा मुखर रहती हैं, समय समय पर अपने तेवरों से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना भी साधती रहती हैं, और अब भाजपा को मौका लगा है ममता बनर्जी पर हमला बोलने का और भाजपा ने इसे ही लेकर ममता बनर्जी की पार्टी पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है, टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है और अब वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। दीदी की टीएमसी को बड़ा बनाने की कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि टीएमसी सबसे भ्रष्ट, तुष्टीकरण करने वाली और आतंक फैलाने वाली सरकार की पार्टी है। इसकी सरकार भी गिरनी तय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग इस सरकार को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और टीएमसी का जो दर्जा छीना है इसके पीछे की वजह के तौर पर आपको बता दें कि टीएमसी का हाल फिलहाल के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, जो उनको वोट मिले, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रही है उसको जो है उसके लिए गुड न्यूज है, जिसे अब राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गया है। लेकिन जो टीएमसी का इतिहास है यहां पर यह भी जानना जरूरी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को टीएमसी का गठन किया। 2001 और 2006 में असफल कोशिशों के बाद टीएमसी ने 2011 में वामपंथी मोर्चे को हराकर पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। अब टीएमसी मजबूती से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है। हालांकि इस बीच हाल के समय में टीएमसी ने देश के अन्य राज्यों में भी अपने पांव जमाने की कोशिश की और पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब जो लेटेस्ट समीकरण है उसके हिसाब से टीएमसी और एनसीपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के छिनने के बाद अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें भाजपा है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, बसपा, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में 6 राष्ट्रीय पार्टियां जो है हो गई हैं। अब नेशनल लेवल पर ये जो पार्टियों की राष्ट्रीय दर्जा छीनने का मामला है, अब उम्मीद है कि इसमें भी आगे आपको भरपूर राजनीति, भरपूर बयानबाजियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि संभवतः अब इस पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा जाएगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो तमाम एजेंसियां हैं, जो तमाम आयोग हैं, वो बीजेपी के केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी का जो दर्जा है, राष्ट्रीय दर्जा, उसे छीन लिया है। देने वाले तर्क अलग अलग तरीके से देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी के खिलाफ ही बोलती है उसे तो राष्ट्रीय दर्जा फिलहाल मिल गया है। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय दर्जा छीनने का असर टीएमसी पर दिखेगा? क्या आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतर दिखेगा? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।